स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस वीडियो में हम जूनियर ग्रुप के क्वेश्चन नंबर 11 to 15 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ये देख सकते हो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऊपर है। यहाँ पे nth टर्म को कुछ इस तरह से डिफाइन कर रखा है। nth टर्म इज़ डिफाइन एज n-1th टर्म डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विथ n मल्टीप्लाई विथ nth-1 टर्म प्लस 1, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू बेटा 1/2 दे रखी है। और हमसे कहा जा रहा है कि आप a1 + a2 + a3 टिल a2024 तक की वैल्यू का सम फाइंड आउट करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा जैसे कि गिवन था a1 की वैल्यू 1/2 है और ये एक्सप्रेशन हमें गिवन था, ठीक है। अब इसमें एक्सप्रेशन में अपन ने n की जगह 2 पुट करा, तो जैसे अपन ने n की जगह 2 पुट करा तो हमें मिला a2। ये 2 - 1 दैट इज़ ये बन जाएगा a1, n की जगह 2 रखना है, 2 × 2 और 2 - 1 ये बन जाएगा a1, तो ये जाएगा 2 × 2 × a1 + 1, ओके। और a1 की वैल्यू पता हमें पता थी 1/2, तो हम a1 की जगह 1/2 पुट कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा a1 की वैल्यू सॉरी a2 की वैल्यू बेटा 1/6 आ गई, ठीक है। तो हम a2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, a1 हमें ऑलरेडी गिवन था। सेम वे अब इस एक्सप्रेशन में दोबारा n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा a2, 2 × 3 × a2, ओके। अब a2 के लिए अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा 1/6, तो 1/6 पुट कर दिया। जब हमने सॉल्व किया तो वी गेट 1/12। सेम वे जब n की जगह 4 पुट करोगे तो यू विल गेट 1/20। तो a1 की वैल्यू 1/2, a2 1/6, a3 1/12, a की वैल्यू 1/20। और अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा ऑब्जर्व करो तो जो हमारा a1 था वो 1/2 था बेटा, है ना, जिसको 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2। और जो a2 आया था बेटा वो आया था 1/6, जिसको आप लिख सकते हो 2 × 3। और a3 जो आया था बेटा वो आया था 1/12, जिसको आप लिख सकते हो 1/3 × 4। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि जैसे अगर ये फर्स्ट टर्म है तो 1 × 2, 2 है तो 2 × 3, 3 × 4। तो सेम वे अपन a2024 टर्म को बोल सकते हैं 2024 × 2024 × 2025, यानी उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 3 है 3 × 4, 2 है 2 × 3, तो अगर 2024 टर्म निकालनी है तो 2024 × 2025 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो बेटा, ये जो 1/2 है ना, तो जैसे मैंने समझाया था कि 1/2 को अपने 1/1 × 2 लिखा, 1/6 को 1/2 × 3 लिखा, इस तरह से अपने लिखा है बेटा, है ना। अब ये जो 1/1/2 है बेटा, इसको अपन डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/1 × 2 को 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, और ऊपर 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो सेम ही तो है, तो यानी इसको अपन डिफरेंस की फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो जैसे अपन ने इसको दिखाया तो सेम भी बेटा आप इसको 1/6 को भी दिखा सकते हो। 1/6 का मतलब 1/2 × 3, तो जैसे 1/2 × 3 है ना बेटा, तो इसको 1/2 - 1/3 बोल सकते हो आप। इसका एलसीएम लोगे तो 2 × 3 आएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा 3 - 2 दैट इज़ 1/6। तो सेम ही तो आ रहा है, तो यानी इसको अपन डिफरेंस की फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो बेटा तो आप ये देख सकते हो कि ये नेगेटिव है -1/2, ये +1/2, ये अब टर्म आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ठीक है। सेम वे इसकी सेकेंड टर्म इसकी फर्स्ट को कैंसिल कर रही है, तो ये पैटर्न चले जा रहा है। तो सेम वे इससे पहले जो टर्म आएगी उसका सेकंड टर्म इसके फर्स्ट को कैंसिल करेगा, तो कुल मिला के फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म विल बी रिमेन्स। तो 1 - 1/2025, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 2024 / 2025। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज़ 2024 / 2025। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट अवर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है हमारा लॉग के ऊपर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड लग रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि अल्फ़ा जो है वो बीटा से बड़ा है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x⁰ (1 + log x / 10 = 10x)। तो हमें अल्फ़ा + 1/बीटा की वैल्यू बतानी है जहाँ अल्फ़ा बीटा से बड़ा माना जाएगा, ओके। तो देखिए जब भी पावर में लॉग नज़र आए तो उसको गायब करने का तरीका टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमें इक्वेशन गिवन थी, इस लॉग को गायब करने के लिए हमें क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। जैसे लॉग लोगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये देखो आगे शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे लॉग लिया था, ये लॉग आ चुका है और लॉग 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है। और ये हमने क्या किया, यहाँ पे लॉग बेस 10x को हमने y एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई इंटू वाई इसको वैल्यू 1 आ गई बेटा और इसको अपन y एज्यूम कर रहे हैं तो ये y आ गया। ठीक है, तो 1 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। अब इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा y² प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई। देखो y से y बेटा कैंसिल हो रहा है, 1 को उधर शिफ्ट किया तो y² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यू कैन से y की वैल्यू जो आ गई वो ±1 आ गई। y हमने किसको अज्यूम करा था, y हमने अज्यूम करा था log x टू द बेस 10 को। ठीक है, अब इसको वापस अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी ना बेटा, y की बेस हो गया 10 और पावर लगाएंगे ±1, 10 ⁻⁻⁻1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो 10 की पावर 1 होगी या फिर 10 की पावर -1 होगी। 10 की पावर 1 मतलब 10 की पावर -1 मतलब 1/10। ठीक है, तो यही हमारे अल्फ़ा बीटा है। क्वेश्चन में कहा गया था कि अल्फ़ा जो है वो बीटा से बड़ा है, तो इसलिए आपको अल्फ़ा को 10 मानना पड़ेगा और बीटा को 1/10 अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा से बड़ा था इसलिए हमने अल्फ़ा को 10 माना, बीटा को 1/10 माना। हमसे क्या पूछा जा रहा था, अल्फ़ा +1/बीटा। तो अल्फ़ा तो 10 है बेटा और 1/बीटा करना है, तो बीटा की वैल्यू हमारी 1/10 थी, बीटा की वैल्यू 1/10 थी, 1/10 का उल्टा करोगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, तो 10 + 10 दैट इज़ 20। तो यानी अल्फ़ा +1/बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 आ गई। तो हमारा 20 इज़ द आंसर। तो अपन कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर B जो था वो करेक्ट था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। अगेन ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें ये 2 टेंजेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि इन सभी सर्कल के टेंजेंट का वर्क कर रहे हैं और ये सर्कल आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बेटा जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो एक कंसेप्ट याद रखना कि ये जो सर्कल के जो रेडियस होते हैं इट विल फॉर्म अ जीपी। ये जो सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो जीपी फॉर्म करते हैं। ठीक, और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि जो सबसे छोटा सर्कल है यानी ये, इसका रेडियस 7 दे रखा है, और जो थर्ड सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल हो गया, ये सेकेंड सर्कल, ये थर्ड सर्कल, इसका रेडियस आपको 28 दे रखा है। ठीक है, और आपसे जो लार्जेस्ट सर्कल है उसका रेडियस पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस बताओ क्या होगा। जैसा मैंने कहा कि ये जीपी फॉर्म करेंगे, तो मान लेते जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो आर है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई तो 7, तो इसका रेडियस 7r मान लेते हैं। ओके, इसका रेडियस अपने 7r मान लिया, ये इसका रेडियस हो जाएगा 7r², और ये जो लास्ट वाला सर्कल है उसका रेडियस मान लेते 7r³। ओके, लास्ट वाला जो सर्कल है उसका रेडियस अपन मान लेते 7r³। ओके, तो ये 7r और ये हमारा 7r³, वेयर r इज़ द कॉमन रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सर्कल के जो रेडियस आएंगे बेटा वो एक जीपी फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने कहा था कि एक जीपी फॉर्म करेंगे, तो इन सर्कल के जो रेडियस होंगे वो, इसका रेडियस जैसे मैंने बोला 7 है, इसका 7r, इसका 7r² और इसका 7r³। और जो थर्ड सर्कल था उसका रेडियस हमें 28 गिवन था, तो यानी 7r² की वैल्यू बेटा 28 है, तो 7 से 28 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो r² की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी, तो r की वैल्यू ±2 आएगी। रेडियस नेगेटिव होगा नहीं तो इसलिए अपन +2 ही मानेंगे, तो r की वैल्यू बेटा 2 आ गई। तो हमसे लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस पूछा गया था, यानी 7r³ की वैल्यू पता करनी है अपन को, तो लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस 7r³ और r अपन निकाल चुके हैं बेटा 2, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 × 7 दैट इज़ 56। तो जो लार्जेस्ट सर्कल होगा बेटा उसका रेडियस 56 होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14, अगेन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे जो एक्स का जो कोफिशिएंट था हमने 17 ले लिया 13 की जगह। ठीक है, तो अगर हमने x का कोफिशिएंट 17 ले लिया यानी p की जो वैल्यू है वो 17 ले ली, जबकि लेनी क्या थी 13, और 17 लेके जो हमने आंसर निकाला, जो रूट निकाले वो आए -2 और माइनस का 15। ओके, जब हमने p को 17 कंसीडर किया इंस्टेड ऑफ 13 तो हमें ये 2 रूट्स फाइंड आउट हुए। ठीक है, इसने कहा कि ये जो इक्वेशन थी इसकी करेक्ट रूट अल्फ़ा बीटा थे, इसकी करेक्ट रूट क्या थे, अल्फ़ा बीटा थे। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों हों, दैट इज़ अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि हम इसकी करेक्ट रूट फाइंड आउट कर पाएँ। चलिए करते हैं इसको। ओके, जैसे कि हमें मालूम है कि जब हमने x का कोफिशिएंट 17 लिया तो रूट ये निकले। तो जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता होते हैं तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। -2 रूट है तो x+2 फैक्टर होगा उसका, -15 है तो x+15 फैक्टर होगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे x+2 इंटू x+15 इक्वल टू 0, तो वी गेट x2 + 17x + 30 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, p की जगह हमने 17 लिया था। इसका मतलब यानी ये था कि q तो आपका सही था, q तो सही था, p आपने गलत लिया लेकिन q तो सही आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि बेटा q की वैल्यू 30 फिक्स्ड है, q तो सही है ना, तो q की वैल्यू 30 आएगी। ठीक, तो इस इक्वेशन में आप q की जगह अपन 30 रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस q की जगह हमने 30 रख दिया। ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट, करेक्ट कोफिशिएंट क्या था, 13 था। पहले तो गलती से 17 ले लिया था, करेक्ट कोफिशिएंट तो 13 था। तो यानी ये हमारी अब करेक्ट इक्वेशन आ गई। जब 30 का फैक्टराइजेशन किया तो 30 का ऐसे फैक्टर करो जैसे 13 आ जाए, 10 और 3, तो ये फैक्टराइज होकर x+3 × x+10 मिल जाएगा। तो यानी हमारे जो रूट आएंगे वो -3 और -10 आएंगे। तो यानी ये आपके करेक्ट रूट हो गए। तो हमने अल्फ़ा को -3 बोल दिया, बीटा को -10 बोल दिया। अब हमें इक्वेशन बना दी जिसकी रूट्स अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा थी। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी तो अल्फ़ा बाय बीटा की वैल्यू 3/10 आ गई, बीटा बाय अल्फ़ा की वैल्यू 10/3 आ गई। तो अब हमारे पास अल्फ़ा बाय बीटा भी आ गया, बीटा बाय अल्फ़ा भी आ गया। अब हमें इक्वेशन बना दी जिसकी रूट्स अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फ़ा, मतलब 3/10 और 10/3। तो अगर 3/10 रूट है तो x - 3/10 इसका फैक्टर होगा, 10/3 रूट है तो x - 10/3 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 30x2 - 109x + 30। ये हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा। तो अगर ऑप्शन से मैच करें तो वी कैन से दैट अवर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हमें देखिए गिवन है 1 + xy + x + y का होल स्क्वायर - 1 - xy + x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स y × 1 + x का होल स्क्वायर। तो हमें k की वैल्यू बेटा पता करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें 1 + x की ग्रुपिंग करो और x y और y की ग्रुपिंग करो। तो ये देखो 1 + x, ठीक है बेटा, और इन दोनों में से y कॉमन निकल सकता है तो ब्रैकेट में 1 + x बचेगा। ठीक है, और इन दोनों में से 1 + x अगर आप कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में 1 + y बचेगा। तो ये फैक्टराइज होकर इस तरह से आ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो ये 1 + x को साथ में रखा अपन ने और एक्स वाई और y में से अपन ने y कॉमन निकाल लिया। ठीक है, सेम वे जो सेकंड एक्सप्रेशन था उसमें अपन ने क्या किया, 1 + x को साथ में रखा, ये रहा, और -xy और -y में से -y बाहर निकाल लिया। जैसे -y बाहर निकालोगे तो +x बचेगा, -y बाहर गया तो यहाँ पे +1 बचेगा। ये होल स्क्वायर एज इट इज़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं हमारे पास, ये जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, ये फैक्टराइज होके देखिए अगेन 1 + x दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं अपन। ये 1 + x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 1 + x जा चुका है तो यहाँ पे -y बचा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 1 + x है का स्क्वायर, 1 + x का स्क्वायर दोनों साइड कॉमन आ रहा है। तो 1 + x का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 + y का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़। 1 + x का होल स्क्वायर बाहर जा चुका है, यहाँ बचा 1 - y का होल स्क्वायर। ये 1 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू ky मल्टीप्लाई 1 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, 1 + x + 1 के होल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन होना चाहिए था कि x + 1 ≠ 0, यानी x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको कैंसिल कर पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। चलिए मान के चलते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, अब 1 + y का होल स्क्वायर माइनस 1 - y का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 4y फाइनली। और यहाँ पे तो मैं दे रखा था ky, तो 4y इक्वल टू ky, तो y से y कट गया बेटा, k की वैल्यू 4 आ गई। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा बेटा k = 4 आएगा और वी कैन से दैट अवर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 डिस्कस किए। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो के सॉल्यूशन के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।